नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। आज बात करते हैं नीमच जिले के कुकड़ेश्वर के समीप डोडर ग्राम पंचायत के हामाखेड़ी ग्राम की, जहां हामाखेड़ी ग्राम के ग्रामवासी आज एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी राकेश कुमार सगर से मुलाकात करते हुए बताया कि साहब, ग्राम पंचायत में हो रही अनियमितताएं और भ्रष्टाचार को लेकर जब कलेक्टर से शिकायत की गई तो सरपंच व सचिव ने पंचायत के चौकीदार से झूठी शिकायत कुकड़ेश्वर थाने में करवाई। ग्रामवासियों का कहना है कि जब भी कलेक्टर कार्यालय पंचायत के जिम्मेदारों के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो कुकड़ेश्वर थाने में शिकायती आवेदन देकर शिकायतकर्ता को पुलिस द्वारा समझौता करने का दबाव बनाया जाता है और समझौता नहीं करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जाती है। इसलिए ग्रामवासियों ने एसपी राकेश कुमार सागर से मांग की कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करें। मैं हामाखेड़ी से आया हूं और हमने 12/2/2019 को जनसुनवाई में भ्रष्टाचार का आवेदन किया था। उसके खिलाफ में जब मीडिया वाले वहां पर आए गांव में तो ग्रामवासी सभी उपस्थित थे और मैं भी उनके साथ में था, तो सरपंच ने चपरासी के द्वारा वहां पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई मेरी, जबकि उनके खिलाफ हमारे पास प्रूफ है सभी। और उन्होंने क्या किया कि एक मृत व्यक्ति के नाम से भी वहां पर पैसे डलवा रखे, जबकि व्यक्ति 28/8/2017 को ही मृत्यु हो गई थी और उसकी प्रजनन लगा रखी है 25/10/2017 को। जब व्यक्ति 2 महीने पहले मर गया तो उसकी प्रजनन 2 महीने बाद कैसे लग गई? इसका हमको जांच के लिए हम एसपी साहब के पास आए थे और झूठी रिपोर्ट के लिए हमने यहाँ पर आवेदन भी दिया है और सर ने बोला है कि इसके खिलाफ हम TI साहब से भी बात करेंगे और उसकी जांच निष्पक्षता की जाएगी। कुकड़ेश्वर पुलिस ऐसा करती है, वहाँ पर बुलाती है और दबाव बनाया जाता है हमारे ऊपर कि आप समझौता करो, वहीं पर इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। हुआ है सर, पहला मुकेश पिता ये मांगीलाल जी, ये भी हामाखेड़ी का, इन्होंने भी यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के विषय में शिकायत की थी कि सचिव रिश्वत लेता है, लेकिन उसकी शिकायत को भी ऐसे ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई कुकड़ेश्वर थाने में, तो उसका भी समझौता वहीं पर करवा लिया गया दबाव बना। मैंने वहाँ पर शिकायत की थी कलेक्टर साहब के वहाँ, तो फिर मेरे को मंत्री सरपंच के खिलाफ उसने मेरी रिपोर्ट डाल दी ने, फिर मेरे को पुलिस बुलाया कि आपसे कॉलोनी का आगे कार्रवाई कर देंगे हमारे।